Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 12 क्रिया verb. जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, नहाना, सोना, उठना आदि। आइए देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लड़का सुबह उठता है। वसीम नहाता है। अमित विद्यालय जाता है। रवि पढ़ता है। लड़का भोजन खाता है। लड़का सोता है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से किसी न किसी काम के करने या होने का बोध हो रहा है, इन्हें क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर क्रिया शब्दों को क्रियापद कहते हैं। वह शब्द जिसके द्वारा वाक्य में किसी कार्य को करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। धातु रूट क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अर्थात धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। जैसे सीता पढ़ती है, वह पढ़ेगी, उसने पुस्तक पढ़ी, वह पढ़ रही है। इन वाक्यों में पढ़ती है, पढ़ेगी, पढ़ी और पढ़ रही है क्रियाओं का मूल रूप पढ़ धातु है। क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक क्रिया इंट्रांसिटिव वर्ब, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे एक हवा चलती है, दो शेर दहाड़ता है, तीन सूर्य निकलता है, चार राधा नाचती है। उपर्युक्त वाक्यों में चलती है, दहाड़ता है, निकलता है तथा नाचती है क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं हैं। दो सकर्मक क्रिया ट्रांसिटिव वर्ब, जिन क्रियाओं का कर्म होता है तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वे क्रियाएं सकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे एक राधा केले बेचती है, दो रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तीन विपुल घूम रहा है, चार सौरभ पत्र लिखता है। उपर्युक्त वाक्यों में बेचती है, पढ़ रहा है, घूम रहा है तथा लिखता है क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर न पढ़कर उनके साथ आए कर्म पर पड़ रहा है, अतः ये सकर्मक क्रियाएं हैं। कर्म की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्रिया के साथ क्या या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है, जैसे एक राधा क्या बेचती है, केले कर्म, दो रोहन क्या पढ़ता है, पुस्तक कर्म, तीन विपुल क्या कर रहा है, घूम कर्म, चार सौरभ क्या लिखता है, पत्र कर्म। सकर्मक क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक एक कर्मक क्रिया, दो विकर्मक क्रिया। एक एक कर्मक क्रिया अ पैसिव वर्ब, जिस क्रिया का केवल एक कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे राजकुमार मशीन बनाता है। यहाँ मशीन एकमात्र कर्म है, अतः बनाता है एक कर्मक क्रिया है। दो विकर्मक क्रिया डाइट्रांसिटिव वर्ब, जिस क्रिया के दो कर्म हो वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है। उपर्युक्त वाक्य में दो कर्म है, बच्चा और दूध पिलाती है क्रिया, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। ख रचना के आधार पर क्रिया के भेद काइंड्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः निम्नलिखित पांच भेद होते हैं, क्रिया सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया।
एक सरल क्रिया सिंपल वर्ब जो क्रिया केवल एक ही धातु से बनी होती है उसे सरल क्रिया कहते हैं। जैसे एक मैंने आम खरीदे, दो तुमने शेर देखा। दो संयुक्त क्रिया कंपाउंड वर्ब जब एक से अधिक धातुएं मिलकर किसी एक क्रिया का निर्माण करती हैं, तो उस क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे एक उन्होंने मेंढक का निमंत्रण सबको दे दिया था। दो मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँ। तीन आज पूरे दिन सूरज नहीं दिखाई दिया। तीन प्रेरणार्थक क्रिया कॉजल वर्ब जिस क्रिया को कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को क्रिया करने की प्रेरणा देता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एक राजकुमार अंकित से पत्र लिखवाता है। दो भीम रोहित को पानी पिलवाता है। तीन अध्यापक बच्चों से पुस्तक पढ़वाता है। चार पूर्वकालिक क्रिया जेरेंटिव वर्ब जब कर्ता किसी क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे एक रमन खाना खाकर सो गया। दो बिल्ली चूहे को पकड़कर ले गई। तीन वह आज पाठ याद करके आया है। पांच नामधातु क्रिया नॉमिनल वर्ब संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नामधातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे एक माँ ने सुमन को गलती पर फटकारा। दो वह बहुत मुटिया गई है। तीन तुम्हें आज लतियाना पड़ेगा। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्रिया से किसी काम का करना या होना प्रकट होता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः पांच भेद होते हैं, सरल क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नामधातु क्रिया। नामधातु क्रियाएं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से बनाई जाती है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।